अस्सलाम वालेकुम। आई एम 19। आज हमारा टॉपिक है फिफ्थ वीक टू एट्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट। इसमें लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट एंड सोमाइक डिफरेंशिएशन। आज हम लोग फिफ्थ टू एट्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट और फाइबिलिटी ऑफ फिटनेस हमारे मेन टॉपिक्स हैं। तो इसके हम आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। आज आप लोग क्या क्या पढ़ोगे और उसके एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन एम्ब्रियो ड्यूरिंग द फिफ्थ टू एट्थ वीक के दरमियान में क्या क्या चेंजेस हुई हैं एम्ब्रियो के अंदर वो आप लोग देखोगे। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक एंड गेस्टेशनल एज आप लोग कैसे क्या होती है और उसको कैसे आप लोग उसकी एस्टिमेशन लगाते हो वो है। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ एम्ब्रियोस हम कब करते हैं और उसमें हम लोग बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे आवाज कम आ रही है। अब जरा चेक करके बताएंगे। अच्छा, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन जो होगी एम्ब्रियोस की उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे और तब हम लोग अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, वायबिलिटी ऑफ फिटस क्या है और वायबिलिटी ऑफ फिटस में उसकी डेफिनेशन और उसके आगे फर्दर क्या चीज़ होती है, IUGR क्या है और शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट्स होती है उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो लास्ट वीक में पढ़ा था फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहले हम लोग वो देख रहे थे कि उसमें हमने क्या क्या चीज़ कवर की थी। उसके बाद हम लोग फिफ्थ पे स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में आप लोगों ने जैसे पढ़ा था कि शुरू में एम्ब्रियो आप लोगों को बताया था कि उसकी जो शेप होती है वो स्ट्रेट होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी फोल्डिंग स्टार्ट होती है, हेड एंड टेल एंड्स फोल्ड होते हैं और न्यूरल ट्यूब जो होती है वो बन चुकी होती है, लेकिन उसकी जो कॉडल एंड सिफेलिक न्यूरोपोर्स होते हैं वो ओपन होती है। तो फोर्थ वीक में हमारे पास क्या क्या होगा कि स्फेलिक न्यूरोपोर जो होगा वो क्लोज होगा एट डे 25 और कॉडल न्यूरोपोर जो होगा वो क्लोज होगा डे 27। ठीक है, तो डे 24 पे आप लोगों ने पढ़ा था कि डे 24 में आप लोगों ने पढ़ा था कि न्यूरल फर्स्ट फ्रेंचियल आर्च जो होती है वो बनती है। तो टोटल फोर्थ वीक में हमारे पास फोर पेयर ऑफ फ्रेंचियल आर्चेस जो है वो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो ऑप्टिक एंड लेंस ब्रेक पोर्स हैं वो भी डिवेलप हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, फोर्थ वीक के हम लोग हाइलाइट्स देख रहे हैं। उसमें आप लोगों को बताया था कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है, उसका सिफेलिक और कॉडल न्यूरोपोर जो होगा वो डे 25 और डे 27 पे क्लोज होगा रिस्पेक्टिवली। इसके साथ ही आप लोगों का क्या होता है कि हार्ट जो होगी उसकी प्रोमिनेंस जो होगी वो अपेयर होगी और फोर पेयर्स होंगे फ्रेंटल आर्चेस के वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एंड लेंस ब्रेक पोर्स बनेंगे जो कि फ्यूचर में प्राइमोर्डिया होती हैं, इंटरनल ईयर एंड प्राइमोर्डिया ऑफ द फ्यूचर लेंस रिस्पेक्टिवली। अपेयरिंग ऑफ लिम पार्ट्स, अपर एंड लोअर लिम पार्ट्स जो होंगे वो अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर योर रिकॉल हम देखते हैं यहाँ पर फोर्थ वीक का जो है ये एम्ब्रियो है, इसमें आप लोग देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंजियल आर्चेस विजिबल हो रही है। ठीक है, हार्ट प्रोमिनेंस जो है वो नजर आ रही है जिसमें लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रोमिनेंस ऑफ हार्ट आप लोग को विजिबल हो रही है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे वेंट्रोलेटरल बॉडी वॉल पे आप लोग देख सकते हो स्वेलिंग है, स्मॉल स्वेलिंग विच इज नोन एज अपर लिम बड, और यहाँ पर नीचे लोअर लिम बड आप लोगों को उसकी स्वेलिंग नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा आज हम लोगों का जो टॉपिक है बेसिकली बेटा वो है फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फिफ्थ वीक में क्या होगा। अच्छा, फिफ्थ वीक में फोर्थ वीक के मुकाबले में चेंजेस जो होती हैं वो थोड़ी सी माइनर होती है। इसमें मेजर चेंज जो होता है वो बेसिकली बेटा हेड की एनलार्जमेंट होती है, ग्रोथ ऑफ हेड एक्सीड्स करता है
देट ऑफ अदर रीजन्स, ठीक है। बाकी रीजन्स के मुकाबले में जो हेड की ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, और हेड की ग्रोथ क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है ब्रेन की और फेशियल प्रोमिनेंसेस की, ठीक है। तो फेशियल प्रोमिनेंसेस और ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से हेड जो है वो बाकी रीजन्स के मुकाबले में ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें फिफ्थ वीक में बनती है, वो ये है होता है कि सेकेंड फ्रेंचल आर्च होती है वो रैपिडली ग्रो करती है, रैपिडली ग्रो करके वो ओवर ग्रो कर जाती है थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंजल आर्चेस के ऊपर, और वहाँ पर एक लेटरल डिप्रेशन सा बना देती है, ठीक है। दोनों साइडों पर एक डिप्रेशन बन जाता है जिसको हम सर्वाइकल साइनस कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा फिफ्थ वीक में क्या है कि हेड की एनलार्जमेंट हो रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, सर्वाइकल साइनस जो है वो बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि इसमें हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास मीजोनेफ्रिक रिज बनती है, जो कि बेसिकली इंडिकेट करती है साइट ऑफ मीजोनेफ्रिक इंडीज को। सो हेयर इन दिस डायग्राम आप लोग फिफ्थ वीक की डेवलपमेंट देख सकते हो, इसमें हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्रेंजल आर्चेस दिखाई हुई है, और यहाँ पर एक साइड पे आप लोगों को सर्वाइकल सर्वाइकल जो है वो दिखाया हुआ है, साइनस दिखाई दिया, ठीक है, जो कि बेसिकली डिप्रेशन है जो कि बनता है ड्यू टू द ओवर ग्रोथ ऑफ फर्स्ट फ्रेंजल आर्चेस ओवर द सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन की डेवलपमेंट हम लोगों ने कहा है ज़्यादा होगी, और फेशियल प्रोमिनेंस बनेंगे जिसकी वजह से हेड एनलार्ज होगा। तो ब्रेन में आप लोग देख सकते हो फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, मिड ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है। फेस में क्या क्या आप लोगों को नजर आ रहा है, नेजल एंड लेंस प्ले कोड नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मीजोनेफ्रिक रिज की हमने बात की है, मीजोनेफ्रिक रिज बेसिकली इज द साइट ऑफ मीजोनेफ्रिक साइट ऑफ द मीजोनेफ्रिक किडनीज, ठीक है, जो कि इंटरनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे। अच्छा, फिफ्थ वीक के बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सिक्स वीक पे। सिक्स वीक पे बेसिकली बेटा जो है हमारे पास जो मेन चीज होती है वो एम्पली जो होता है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट शो करता है, ठीक है। अब सिक्स वीक में सबसे पहले मूवमेंट शो होती है, और वो मूवमेंट कहाँ पर होती है, ट्रंक में और डेवलपिंग लिम्ब्स में, ठीक है। और मूवमेंट कैसे होती है, ट्विचिंग होती है ट्रंक की और डेवलपिंग लिम्ब्स की। इसके अलावा एम्ब्रियो जो होता है वो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स शो करता है टच से, ठीक है। तो शो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज टू टच, एक तो हम लोगों ने देखा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट स्टार्ट होगी ट्विचिंग ऑफ द ट्रंक एंड डेवलपिंग लिम्ब्स, दूसरा रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज टू टच होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास इसमें क्या होगा कि जो अपर लिम की डेवलपमेंट है उसमें जो रीजनल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अपर लिम में अब आप लोगों को एल्बो और हैंड जो है वो आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, और हैंड जो होंगे वो बेसिकली हमारे पास हैंड प्लेट्स की फॉर्म में होंगे, हैंड प्लेट्स जो होंगे वो डिवेलप होंगी, ठीक है। और उसमें हैंड प्लेट्स में बेसिकली क्या डिवेलप होगा, डिजिटल रेस, डिजिटल वेज बेसिकली बनाती हैं प्राइमोडिया ऑफ द डिजिट्स यानी कि फिंगर्स, ठीक है। तो हैंड प्लेट्स में डिजिटल वेज डिवेलप हो जाएंगे जो कि प्राइमोडिया ऑफ द डिजिट्स या फिर हैंड बनाएगी। अब आप लोग इस डायग्राम पे देखो तो हम लोगों ने जो बात की है, सबसे पहले अपर लिम में हमारे पास ये देखो ये एल्बो का रीजन है, और यहाँ पर हमारे पास डिजिटल वेज ऑफ द हैंड जो है ये डिवेलप हो रही है हैंड प्लेट्स में, और ये बेसिकली फ्यूचर में बनाएंगी डिजिट्स ऑफ दी हैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बनता है फिफ्थ वीक में, सिक्स वीक में हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, सिक्स वीक में अच्छा अपर लिम की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी है, उसमें एल्बो और हैंड प्लेट्स बनेंगे, और उसमें डिजिटल वेज भी डेवलप होंगी जो कि फ्यूचर में डिजिट्स बनाएंगी यानी कि फिंगर्स बनाएंगी, ठीक है। अब लोअर लिम की जो डिवेलपमेंट है वो 4 to 5 डेज लेटर स्टार्ट होती है अपर लिम से। नेक्स्ट चीज़ जो सिक्स वीक में हमारे पास बन रही है वो एक है ऑरिकुलर हिलॉक्स। ऑरिकुलर हिलॉक्स बेसिकली क्या चीज़ है, ये अराउंड द फ्रेंजल ग्रोथ बनता है बिटवीन द फर्स्ट टू फ्रेंजल आर्चेस। अगर आप लोग इस डायग्राम पर फोकस करो तो ये हमारे पास पिछले डायग्राम हम देखते हैं, इसमें हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रेंजल आर्च के दरमियान में ये फ्रेंजल ग्रोथ है, फर्स्ट जिसको नाम दिया हम लोगों ने फर्स्ट फ्रेंजल ग्रोथ का। तो ऑरिकुलर हिलॉक्स बेसिकली डेवलप करते हैं अराउंड दी फ्रेंजल ग्रूव बिटवीन दी फर्स्ट टू फ्रेंजल आर्चेस, फ्रेंजल ग्रूव के अराउंड डेवलप करते हैं, और ये फ्रेंजल ग्रूव कहाँ बनती है, बिटवीन दी फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रेंजल आर्चेस, और इस फ्रेंजल ग्रूव को हम फर्स्ट फ्रेंजल ग्रूव का नाम देते हैं। ये ग्रूव जो है फ्यूचर में हम क्या बनाती है, दिस ग्रूव बिकम्स दी एक्सटर्नल इकोस्टिक मिएटस। एक्सटर्नल इकोस्टिक मिएटस का मतलब है कि जो आप लोगों का एक्सटर्नल ईयर है उसकी जो
कैनाल है बेसिकली, उसको हम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटिस कहते हैं। तो ये प्रूव जो होगी वो हमारे पास एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटिस बनाएगी। इस डायग्राम में आप लोग देखो तो ये चीज जो है सेंटर में ये प्रूफ है बेसिकली, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड टेंजेंट आर्चेस के दरमियान में बनती है और ये फ्यूचर में बेसिकली बनाती है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटिस या फिर एक्सटर्नल ईयर कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास जो ऑरिक्युलर हिलॉक्स वो बेसिकली डेवलप होते हैं, जो हिलॉक्स हैं वो बेसिकली बनाते हैं पिन्ना। पिन्ना क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर। यहाँ पर आप लोगों को इस डायग्राम में जो ऑरिक्युलर हिलॉक्स है वो बेसिकली स्मॉल स्वेलिंग्स होती हैं, ये चारों ये जो स्वेलिंग्स आप लोगों को छोटी सी नजर आ रही हैं ये ऑरिक्युलर हिलॉक्स हैं, जो कि बाद में ऑरिक्युलर एक्सटर्नल ईयर, यानी एक्सटर्नल ईयर का जो स्ट्रक्चर है वो सारा जिसमें पिन्ना आ जाता है और उसका बाहर का जो कवरिंग है वो सारी जो है ऑरिक्युलर हिलॉक्स बनाएंगे। और इनके दरमियान में जो ग्रूव है फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव वो जो है फ्यूचर में एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटिस बनेगी। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आप लोग देख सकते हो, अच्छा नेक्स्ट आप लोग देखेंगे उसमें सिक्स वीक में तीन चीज अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट स्टार्ट होती है, दूसरे नंबर पे अपर लिप पे रीजन डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है जिसमें एल्बो का रीजन प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, हैंड प्लेट्स बनती हैं जिसमें डिजिटल रेस डेवलप हो जाती है जो को फ्यूचर में फिंगर्स बनाएंगे, डिजिट्स बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑरिक्युलर लॉब्स जो है वो पिन्ना बनाते हैं और जो फ्रेंजियल ग्रूव होती है बिटवीन द फर्स्ट एंड टू फ्रेंजियल आर्चेस वो हमारा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटिस ऑफ द ईयर बनाएंगे, यानी एक्सटर्नल ईयर कैनाल बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है सिक्स वीक में और क्या होती है, सिक्स वीक्स में हमारे पास अब आइज जो होंगी वो ऑब्वियस हो जाएंगी। आइज क्यों ऑब्वियस होंगी? क्योंकि अब रेटिना की जो फॉर्मेशन है, रेटिनल पिगमेंट फॉर्मेशन जो है वो बन गई है, तो इस वजह से आइज जो होंगी वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। और हेड जो होगा, अब हेड आप लोगों को इसमें जो बाकी जो बॉडी है ट्रंक के मुकाबले में बड़ा नजर आएगा, और ये जो होगा ये हार्ट प्रोमिनेंस के ऊपर बेंट हो जाएगा। अब हार्ट प्रोमिनेंस के ऊपर क्यों बेंट होगा? क्योंकि जो सर्वाइकल नेक रीजन है ना वहां पे बेंडिंग की वजह से जो हार्ट जो होगा वो जो हेड होगा वो ओवर दी हार्ट प्रोमिनेंस आप लोगों को बेंट होता हुआ नजर आएगा। बेसिकली इस वजह से होता है क्योंकि नेक रीजन डेवलप हो रहा है, नेक रीजन में बेंडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अगर आप लोग दोबारा डायग्राम की तरफ जाओ तो हम लोग डायग्राम को एक बार फिर देख लेते हैं। ये देखिए जिसमें आप लोग देखो ये हेड जो है ये हेड का रीजन है सारा, और यहाँ पर ये हमारे पास हार्ट प्रोमिनेंस है, तो हेड जो है आप लोगों को क्लियरली बेंट होता हुआ नजर आ रहा है ओवर दी हार्ट प्रोमिनेंस बिकॉज नेक रीजन में बेंडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और हेड जो है आप लोग ये सारा देखो ये हेड है ये आप लोगों को क्लियरली आप लोगों को बड़ा नजर आ रहा है ट्रंक के मुकाबले में। ठीक है, तो सेवंथ वीक में और क्या चीज हमने पढ़ी है? पिगमेंटेड आईज हैं, क्योंकि अब पिगमेंट जो है रेटिनल पिगमेंट फॉर्मेशन होगी है तो आईज आप लोगों को क्लियरली विजिबल होंगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और चीज होती है सिक्स वीक में, सिक्स वीक में हमारे पास एक और क्या चीज होती है कि अम्बिलिकल हर्निएशन होती है। अम्बिलिकल हर्निएशन बेसिकली क्या चीज है कि इंटेस्टाइन जो होती है जो वो एंटर हो जाती है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है और अम्बिलिकल कॉर्ड के प्रॉक्सिमल पार्ट में एंटर हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम अम्बिलिकल हर्निएशन कहते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पर नॉर्मल कंसिडर किया जाता है क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी इस वक्त जो है वो बहुत स्मॉल है और जो इंटेस्टाइन जो है जो कि रैपिडली ग्रो कर रही है तो वो उसको एकोमोडेट करने में उसको मसला होता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन जो होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के प्रॉक्सिमल पार्ट में एंटर हो जाती है, तो ये इस वक्त ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन एंटर द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस अम्बिलिकल हर्निएशन इज अ नॉर्मल इवेंट। Herniation occurs because the abdominal cavity is too small at this stage to accommodate the rapidly growing intestine. ठीक है, अब हम लोग ने सिक्स वीक्स के फीचर्स देख लिए हैं। एक बार हम लोग दोबारा सिक्स वीक्स में देख सकते हैं कि अपर लिम्ब की रीजनल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गई है, एल्बो डिजिटल रेस ऑफ द हैंड प्लेट्स डेवलप हो गई है। ठीक है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटिस बनेगा फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव और ऑरिकुलर हिलॉक्स बेसिकली बनाएंगे ऑरिकल ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, यानी पिन्ना ऑफ एक्सटर्नल ईयर। आईज विजिबल हो जाएंगी, हेड जो होगा ट्रंक के मुकाबले में ज्यादा बड़ा होगा ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड फेशियल प्रोमिनेंसेस। ठीक है, नेक की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और इंटेस्टाइन जो होंगी वो अम्बिलिकल कॉर्ड के प्रॉक्सिमल पार्ट पे एंटर हो जाएंगी, अम्बिलिकल हर्निएशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेवंथ वीक में क्या होगा। अब सेवंथ वीक में अपर लिम और लोअर लिम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो लिम्स अंडरगो कंसिडरेबल चेंज ड्यूरिंग दी सेवंथ वीक। ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे लिम्प में,
कि नॉचेस जो होंगी, अब डिजिटल रेस हम लोगों ने पढ़ा था 6 वीक में डेवलप होती है, अब डिजिटल रेस के दरमियान में नॉचेस या ग्रूव्स बन जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो हैंड और फुट प्लेट्स की जो एरियाज हैं, जो डिजिट्स हैं, उनको सेपरेट कर देंगे, जिसकी वजह से ये नॉचेस और ग्रूव्स बनने के बाद जो डिजिट्स होंगी हैंड की और फुट की, वो क्लियरली आप लोगों को नजर आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि नॉचेस अपीयर्स बिटवीन दी डिजिट्स ऑफ दी हैंड एंड फुट प्लेट्स और दिस क्लियरली इंडिकेट्स द डिजिट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 7th week में कम्युनिकेशन बिटवीन दी प्राइमोडियल गट एंड द माइकल वेसिकल इज नाउ रिड्यूस, जिसकी वजह से क्या होगा, द योक स्टॉक नाउ बिकम्स दी ओम्फैलो एंटेरिक डक्ट, ओम्फैलो एंटेरिक डक्ट बन जाएगी। 7th week के एंड में हमारे पास क्या होगा, ऑसिफिकेशन स्टार्ट होगी, अपर लिम्ब में बोन्स की ऑसिफिकेशन जो होगी वो बाय द एंड ऑफ 7th week हमारे पास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 7th week में वही कंटिन्यू हो रहा है जो 6th week में अपर लिम्ब की डिफरेंशिएशन हुई थी, 7th week में लिम्ब्स जो होंगे उसमें कंसीडरेबल चेंज आएगा, डिजिटल रेस के दरमियान में नॉचेस अपीयर हो जाएंगी, जिसकी वजह से हैंड फुट प्लेट्स की जो एरियाज होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, डिजिट्स जो होंगे आप लोगों को क्लियरली नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग 7th week में आप लोग देख लो, यहाँ पे नेक की फॉर्मेशन होगी है, एम्ब्रियो जो होगा अब थोड़ा सा स्ट्रेट होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो हेड है वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा, ट्रंक के साथ सर्वाइकल फ्लेक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, नॉचेस जिसकी हम लोगों ने बात की है, इसमें हैंड में देखो ये हैंड प्लेट है, इसके दरमियान में ये डिजिटल रेस है जो कि फ्यूचर में डिजिट्स बनाएंगी और उनके दरमियान में नॉचेस या फिर ग्रूव्स जिसको हम कहते हैं वो डेवलप हो जाएंगी। ये हैंड की बात हो रही है और ये डिजिटल रेस ऑफ फुट प्लेट। ठीक है, डिजिटल रेस ऑफ हैंड प्लेट और डिजिटल रेस ऑफ फुट प्लेट डेवलप हो जाएगा, बाकी आप लोग बाकी स्ट्रक्चर देख सकते हो साथ साथ डेवलप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8th week, बिगनिंग ऑफ द 8th week, बिगनिंग 8th week में अब हम लोग दो तरीकों से देखेंगे, एक बिगनिंग ऑफ 8th week और एंडिंग ऑफ 8th week। अब हम लोग 8th week की बात करेंगे, 8th week को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं कि बिगनिंग ऑफ 8th week में क्या क्या फीचर्स हो रहे हैं और एंड ऑफ 8th week में क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम लोगों ने बात की थी कि 6th week में हमारे पास हैंड प्लेट्स और फुट प्लेट्स डेवलप हुई, 7th week में उनमें डिजिटल रेस बनी, 7th week में डिजिटल रेस के दरमियान नॉचेस या ग्रूव्स अपीयर हुई, अब 8th week में जो डिजिट्स होंगे वो हैंड की वो सेपरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, बिगनिंग में क्या होंगे, वो डिजिट्स होंगे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी लेकिन अभी भी वेब्ड होंगी। ठीक है, बिगनिंग में वो सेपरेट होंगी लेकिन वेब्ड होंगी, नॉचेस जो होंगे आप लोगों को क्लियरली विजिबल होंगे बिटवीन द डिजिटल रेज ऑफ द फीट। ठीक है, डिजिटल रेज ऑफ द फीट में हैंड में तो वो सेपरेट होंगी है, ठीक है, और नोटिसेबली वेब्ड होंगी है, लेकिन जो फीट है उसमें अभी आप लोगों को नॉचेस क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग एमिनेंस की हम लोगों ने बात की थी, आप लोगों को याद होगा 4th week में एक प्रेक्सिस अपीयरेंस बना रहा था कॉडल एमिनेंस लॉन्ग टेल लाइक, अब कॉडल एमिनेंस जो है वो चली आ रही है, वो अभी तक प्रेजेंट होगी लेकिन क्या होगी, स्टबी होगी। स्टबी मीन अगर आप लोग इस डायग्राम में देखो, दिस इज द कॉडल एमिनेंस, दिस वन कॉडल एमिनेंस, और ये जो है प्रेजेंट है लेकिन बिल्कुल छोटी सी थिक लाइक एक स्ट्रक्चर है, स्टॉक थिक लाइक एक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट है बट स्टबी है, कॉडल एमिनेंस इज स्टिल प्रेजेंट बट स्टबी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्कैल्प वेस्कुलर प्लेक्सिस जो होगा वो आप लोगों का नजर आएगा, दिस वन स्कैल्प वेस्कुलर प्लेक्सिस क्लियरली आप लोगों को एक बैंड बनाता हुआ अराउंड द हेड आप लोगों को ये नजर आएगा। ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ 8th week में क्या हुआ, हैंड की जो फिंगर्स हैं वो सेपरेट हो गई हैं। ठीक है, नॉचेस जो हैं डिजिटल रेस इन द फुट में नॉचेस अपेयर हो गई हैं, क्योंकि हैंड की डेवलपमेंट पहले स्टार्ट होती है अपर लिम की, लोअर लिम के बाद में स्टार्ट होती है, तो लोअर लिम थोड़ा सा पीछे होगा, उसमें अभी नॉचेस अपेयर हो रही हैं लेकिन हैंड में आप लोगों के फिंगर्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। ठीक है,
स्कैल्प मस्कुलर प्लेक्सिस बन गए जो कि एक क्लियरली बैंड बनाते हैं अराउंड दी हेड. कॉडल लैमिनस इज स्टिल प्रेजेंट बट लाइक ए शॉर्ट थिक स्मॉल. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया हमारे पास बिगनिंग ऑफ एट्थ वीक में क्या हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव एंड ऑफ एट्थ वीक. एंड ऑफ एट्थ वीक में क्या होगा, डिजिट्स जो होंगी वो लेंथेंड हो जाएंगी और कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएंगी. ठीक है, कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएंगी. लेग मूवमेंट्स जो होंगी वो अब स्टार्ट. इसके अलावा कॉडल एमिनेंस जो होगी वो प्रेजेंट होगी लेकिन हमारे पास बिल्कुल एक शॉर्ट स्टॉक लाइक की फॉर्म में होगी. और स्कैल्प वैस्कुलर प्लेक्सिस जो होगा वो अपेयर होगा जो कि एंड फॉर्म्स अ कैरेक्टरिस्टिक बैंड अराउंड द हेड. अगर आप लोग डायग्राम में देखो तो ये एक स्कैल्प वैस्कुलर प्लेक्सिस आप लोगों को नजर आ रहा है जो कि एक बैंड की फॉर्म में आप लोगों के अराउंड द हेड नजर आ रहा है. और फिंगर्स जो होंगी वो क्लियरली सेपरेटेड होंगी. ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, नॉचेस जो होगी वो बिटवीन दी डिजिटल रेज इन द फुट में अपेयर होंगी. कॉडल एमिनेंस जो होगी वो एक शॉर्ट स्टॉक लाइक की फॉर्म में आप लोगों को नजर आएगी. ठीक है, एंड ऑफ एट्थ वीक में क्या होगा, डिजिट्स होंगी वो कम्प्लीटली सेपरेटेड हो जाएंगी, लेंथन हो जाएंगी, पर्पसफुल लिम्फ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, नेक जो होगी वो स्ट्रेटन हो जाएगी, कॉडल एमिनेंस डिसअपेयर हो जाएगी. ठीक है, आईलेट्स आईज जो होंगी वो मोर ऑब्वियस होंगी. ठीक है, आईलेट्स आप लोगों को नजर आएंगे. जो होगा नेक जो होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी इसमें, और कॉडल एमिनेंस डिसअपेयर होगी. टोज जो होंगे वो कम्प्लीटली सेपरेटेड हो जाएंगे. ठीक है, एंड ऑफ एट्थ वीक में. और इसके अलावा एक और बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसमें माइल्ड सी सेक्स डिफरेंसेस आप लोगों को नजर आएंगे अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लेकिन इतने क्लियर नहीं होंगे कि आप लोग उससे सेक्स डिटरमिन कर सको. सो एट द एंड ऑफ एट्थ वीक आप लोगों को बहुत माइनर सी जो है सेक्स डिफरेंसेस जो होंगी वो अपीयरेंस होगी इसमें. ठीक है, तो इसके एंड ऑफ एट्थ वीक के बाद हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है यहाँ पे एंड हो गया है. एम्ब्रियोनिक पीरियड आप लोगों को जैसे कि पता है थर्ड टू एट्थ वीक तक होता है. और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, उसमें गेस्टेशनल एज और एम्ब्रियोनिक एज. गेस्टेशनल एज क्या है और इसको हम कैसे डिफर करते हैं एम्ब्रियोनिक एज से, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या इनका जो है मेजर करने का तरीका है. ठीक है, गेस्टेशनल एज बेसिकली बेटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आप लोग देखो, प्रेगनेंसी व्हेन डेटेड फ्रॉम द प्रिज्यूम्ड फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड इज द गेस्टेशनल एज. बेसिकली आसान लफ्जों में अगर आप देखो तो इट इज द एज ऑफ द प्रेगनेंसी फ्रॉम द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम इसको मेजर कैसे करते हैं, इसमें एज जो होती है बेबी की वो मेजर करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड. ठीक है, तो बेसिकली गेस्टेशनल एज हम स्टार्ट वहाँ से करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड. और क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेट जो होगी वो कॉन्सेप्शन की फर्टिलाइजेशन की नहीं पता होती, तो इसीलिए हम इसको फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड को हम यूज टू मेजर हाउ ओल्ड द बेबी इज. ठीक है, गेस्टेशनल एज में हम ये देखते हैं. अगर इसके मुकाबले में अगर हम देखें एम्ब्रियोनिक एज, तो एम्ब्रियोनिक एज बेसिकली इज द एक्चुअल एज ऑफ द ग्रोइंग बेबी. एम्ब्रियोनिक एज जो होते हैं हम उसको कहते हैं कि बेसिकली इट इज द एक्चुअल एज ऑफ द ग्रोइंग बेबी, क्योंकि ये कब स्टार्ट होती है, एम्ब्रियोनिक एज बिगिंस एट फर्टिलाइजेशन. जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो रही है हम उस टाइम से एम्ब्रियोनिक एज जो होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं. सो इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कंसेप्शन या फिर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हुई है उसको हम उस टाइम से कैलकुलेट करते हैं. सो इट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक एज. हम कहेंगे जब थर्ड वीक से एट्थ वीक तक हम एम्ब्रियो को देख रहे हैं तो उस वक्त हम एम्ब्रियोनिक एज इसको कहेंगे, और जब हम नाइन्थ वीक से टिल बर्थ तक हम इसको देखेंगे तो उस वक्त ये कहलाएगी फीटल एज. ठीक है, तो सेम एम्ब्रियोनिक एज या फीटल एज या फिर इसको हम फर्टिलाइजेशन या फिर कॉन्सेप्शनल एज के तौर पर भी लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, इट इज़ द टाइम फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन. और ये यूजुअली कब होती है, इट यूजुअली अकर्स विद इन अ डे ऑफ ओवुलेशन. ठीक है, और ये जो होती है फर्टिलाइजेशन एज इज अप्रॉक्सीमेटली टू वीक्स आफ्टर द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड. ठीक है, यानी कि ये दो हफ्तों के बाद जो लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके टू वीक्स लेटर जो है फर्टिलाइजेशन एज जो होगी वो स्टार्ट होगी. ठीक है, तो बेसिकली इट इज द एक्चुअल एज ऑफ द ग्रोइंग बेबी. फर्टिलाइजेशन एज या फिर एम्ब्रियोनिक एज या फिर इसको हमने फीटल एज भी बोला है या फिर कॉन्सेप्शनल एज, ये सारे एक ही नाम है. बेसिकली ये यूज क्या, इसकी इम्पोर्टेंस है क्या, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, क्यों हम इसको मेजर करते हैं,
fertilization aid is specifically used in patients who have undergone in vitro fertilization, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसेस इनमें होते हैं, जो पेशेंट्स वो करवाते हैं उसमें इसकी इम्पोर्टेंस होती है, इसमें इसको इसका एस्टिमेशन लगाना जरूरी होती है. ठीक है, तो होप यू विल नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द जेस्टेशनल एज एंड एम्ब्रियोनिक एज. नेक्स्ट वी सी हाउ एम्ब्रियोनिक एज इज एस्टिमेटेड, उसका एस्टिमेशन हम कैसे लगाते हैं. अच्छा, एम्ब्रियोनिक एज बस उसके एक तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एम्ब्रियो की, यानी एक्सटर्नली वो कैसा विजिबल नजर आ रहा है, कौन से वीक पे किस तरह की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर अपीयर हो रही है. जैसे आप लोगों ने हर वीक की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है कि इस वीक में ये चीज़ स्टैंडर्ड हो रही है, इस वीक में ये, तो उसके उसके हिसाब से आप लोग उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उसकी एज को डिटर्मिन कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो होते हैं हम उसकी लेंथ मेजर करते हैं. लेंथ जो होती है दो तरीकों से मेजर होती है, एक राउंड राउंड लेंथ होती है जिसको हम CRL कहते हैं. ये बेसिकली आप मेजर करते हो फ्रॉम वर्टेक्स टू वर्टेक्स. वर्टेक्स जो आप लोगों का हाईएस्ट पॉइंट होता है स्कैल्प हेड का, उसको वर्टेक्स कहते हैं, और टू वर्टेक्स तक ये राउंड राउंड लेंथ जो होती है ये हम मेजर करते हैं. और ये बेसिकली हम उन एम्ब्रियोस में यूज करते हैं जो कि 14-18 वीक्स तक के होते हैं. सो उनकी मेजरमेंट होगी लेंथ की, क्राउन राउंड लेंथ. इसके अलावा क्राउन नी लेंथ की आप लोग ले सकते हो, वो बेसिकली वर्टेक्स टू रूट तक होती है, और इसको हम स्टैंडिंग हाइट भी कहते हैं. ठीक है, तो मेजरमेंट्स के ये दो तरीके हैं एस्टिमेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक एज. नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एम्ब्रियोनिक एज. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है कि हम लोगों को एम्ब्रियोनिक एज का पता होना क्यों जरूरी है. नॉलेज ऑफ एम्ब्रियोनिक एज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स क्लिनिकल मैनेजमेंट. ठीक है, क्लिनिकल मैनेजमेंट कौन कौन से प्रोसीजर्स सब आप लोगों ने करने होते हैं, तो उस वक्त आप लोगों को एम्ब्रियोनिक एज का पता होना जरूरी है. तो इसमें बेसिकली कौन से हैं, स्पेशली वन इन्वेसिव प्रोसीजर सच एज कोलियोनिक विलर सैंपलिंग और एमनियोसेंटेसिस जब आप लोग करते हो उस वक्त आप लोगों की नॉलेज होना जरूरी है एम्ब्रियोनिक एज का. तो बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंस है ये प्रोसेस जो है अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इसमें एम्ब्रियोनिक एज का पता होना जरूरी है. ठीक है, अच्छा, अब एस्टिमेटिंग एज के लिए क्या चीज जरूरी है. द डे ऑन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स इज द मोस्ट एक्यूरेट रेफरेंस पॉइंट फॉर द एस्टिमेटिंग एज. ठीक है, और ये आप लोग पीछे मैं आप लोगों को बता चुके हैं, दिस इज कॉमनली कैलकुलेटेड फ्रॉम द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, मतलब जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होती है, बिकॉज द ओसाइट इज यूजुअली फर्टिलाइज. कब फर्टिलाइज होता है, विद इन 12 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन. ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली आप लोगों को एम्ब्रियोनिक एज की डेफिनेशन, उसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस, हाउ यू कैन एस्टिमेट एंड डिटरमिन द एम्ब्रियोनिक एज, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, गेस्टेशनल एज क्यों अनरिलायबल है. ठीक है, इसकी भी कॉजेज हैं कि वाई गेस्टेशनल एज इज अनरिलायबल. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन एस्टैब्लिशिंग द LNMP. ठीक है, यानी लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो है उसमें एरर आ सकते हैं कि किस वजह से एरर आ सकते हैं कि इज हाईएस्ट इन वुमेन हु बिकम प्रेग्नेंट आफ्टर सेजेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन. यानी कुछ पेशेंट्स जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पे थी और उसके बाद उनकी उन्होंने कंसीव किया, तो उसके दरमियान जो इंटरवल आया बिटवीन द डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ हार्मोन्स एंड द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन वो हाईली वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से आप LNMP में मिस्टेक कर सकते हो. तो इस वजह से ये एरर इसमें आ सकता है, एक ये रीज़न होगी. दूसरा, उन वुमेंस में जो कि ओलिको मेमोरिया जिनमें होता है, ठीक है, स्टेंटी मेंस्ट्रुएशन होती है, उसको भी आप लोग लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उससे उसमें भी एरर आ सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा पोस्टपार्टम पीरियड में अगर प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, तो उसमें भी मोस्ट चांसेस हैं एरर के कि आप LNMP में गलती होती हो उसको बताने में. ठीक है, यूज़ ऑफ इंटरयूट्राइन डिवाइसेस, ये तो ये हो गया. इसके अलावा जब प्लास्टोसिस इम्प्लांट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन ऑफ प्लास्टोसिस उस वक्त जो स्लाइट सी यूट्राइन ब्लीडिंग, माइल्ड सी जो ब्लीडिंग होती है जिसको हम स्पॉटिंग भी कहते हैं, ठीक है, उसको भी आप मिस्टेकनली मेंस्ट्रुएशन के तौर पर ले सकते हैं. ठीक है, ये भी एक एरर आ सकता है इसमें. अच्छा, तो बेसिकली गेस्टेशनल एज इसलिए अनरिलायबल होती है इन सारी रीजंस की वजह से. तो अल्ट्रासाउंड असेसमेंट ऑफ द साइज ऑफ द एम्ब्रियो एंड ओरियोनिक कैविटी, इससे आप क्लिनिशियंस जो होते हैं वो पता चला सकते हैं कि एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द डेट ऑफ कॉन्सेप्शन क्या है. ठीक है, तो
उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ एम्ब्रियोस। एग्जामिनेशन जो होगी अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन कब जरूरी है, क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं, क्या उसके रीजंस हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ देखने के लिए आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन एम्ब्रियो का जरूरी होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर ऑब्स्टेट्रिक केयर इज एसेंशियल, ठीक है। एक बार अल्ट्रासाउंड होना जरूरी है फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कौन से रीजंस हैं ये आप लोग देख लो। इसमें बेसिकली gestational एज की एस्टिमेशन फॉर कंफर्मेशन ऑफ क्लिनिकल डेटिंग, ठीक है। आपने कंफर्मेशन करनी है gestational एज की, एस्टिमेशन ऑफ gestational एज को कंफर्म करना है। उसके लिए evaluation ऑफ embryonic ग्रोथ, कि एम्ब्रियो की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं, या फिर उसके अंदर कोई ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, इंट्राउटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं सस्पेक्ट आप लोग कर रहे, उसके लिए अल्ट्रासाउंड करना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जब आप प्रोसेस करते हो कोरियोनिक विल्डर्स या फिर एमनियोटिक फ्लूइड सैंपलिंग, उसमें गाइडेंस अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर आप लोग ये प्रोसेस करते हो, इसलिए उसमें अल्ट्रासाउंड की जरूरी होता है। एग्जामिनेशन ऑफ क्लिनिकली डिटेक्टिव पेल्विक मास, कोई और पेल्विक मास को आप लोग डिटेक्ट नहीं कर रहे, उसके लिए एग्जामिनेशन इसका जरूरी है एम्ब्रियो का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो आप लोग सस्पेक्ट नहीं कर रहे, यानी प्रेगनेंसी अदर देन द यूट्रस वो पॉसिबल यूट्राइन बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है। बर्थ डिफेक्ट्स कोई आ सकते हैं, उसके लिए डिटेक्शन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, यूट्राइन बर्थ डिफेक्ट्स और डिटेक्शन ऑफ अदर बर्थ डिफेक्ट्स, इसके लिए अल्ट्रासाउंड जो है ये जरूरी है। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ एम्ब्रियोस क्यों जरूरी है कि आप लोगों को पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वायबिलिटी ऑफ फिटस। वायबिलिटी ऑफ फिटस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वायबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ फिटस टू सर्वाइव इन द एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट, ठीक है। यानी यूट्रस से बाहर फिटस जो है वो किस तरह, मतलब उसकी एबिलिटी है कि वो सर्वाइव कैसे कर सकता है, ठीक है। तो वायबिलिटी बेसिकली इज द एबिलिटी ऑफ द फिटस टू सर्वाइव इन द एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट। अब इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं, दो कुछ बेबीज होते हैं जो कि इमेच्योर इन्फेंट होते हैं, लो बर्थ वेट इन्फेंट, या फिर इनको लो बर्थ वेट इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं प्री टर्म या फिर प्री मेच्योर इन्फेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इमेच्योर इन्फेंट या फिर लो बर्थ वेट इन्फेंट जो है इनका वेट कितना होता है? मोस्ट फिटस इज वेइंग लेस देन 500 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम जिनका वेट होगा बर्थ पे वो यूजुअली सर्वाइव नहीं करते, ठीक है। वो इस कैटेगरी में आते हैं इमेच्योर इन्फेंट या फिर लो बर्थ वेट या फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम इमेच्योर इन्फेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका वेट जो होता है वो 500 ग्राम से लेस होता है एट बर्थ पे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बेबीज आ जाते हैं? बहुत सारे फुल टर्म यानी फुल टर्म बेबीज जो कि मतलब उनकी पूरी जो होते हैं वो लो बर्थ वेट इन्फेंट्स होते हैं वो होते हैं उसमें। और ये उनकी बेसिकली रीज़न क्या होती है, उनके अंदर क्या फुल टर्म बेबीज के अंदर रीजंस होती हैं कि वो लो बर्थ वेट या फिर इमेच्योर इन्फेंट होते हैं? ड्यू टू दी IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की वजह से, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ सर्वाइव करते हैं। कौन से सर्वाइव करते हैं? अगर आप उनको एक्सपर्ट पोस्टनेटल केयर देंगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिन बेबीज का वेट जो होगा 500 ग्राम से कम होगा तो उनको हम इमेच्योर इन्फेंट या फिर लो बर्थ वेट इन्फेंट कहेंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं हम प्री टर्म इन्फेंट या फिर प्री मेच्योर इन्फेंट। प्री टर्म इन्फेंट जो कि वक्त से पहले जो पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो प्री टर्म इन्फेंट हम उनको कहते हैं, और या फिर प्री मेच्योर इन्फेंट भी कहते हैं इनको। तो ये वो वाले न्यूनोड्स होते हैं जो कि आर अंडर वेट बिकॉज ऑफ शॉर्ट इन गेस्टेशन, मतलब वक्त से पहले पैदा हो रहे हैं, उनकी गेस्टेशनल एज जो है वो पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो वो वक्त से पहले पैदा हो गए, इसलिए हम उनको प्री टर्म न्यूनेट्स कह रहे हैं, और वो अंडर वेट हैं इस वजह से ड्यू टू शॉर्ट इन गेस्टेशन, ठीक है, यानी प्री मेच्योर बाई डेट। तो इसमें जो होते हैं वेट इन फिटस जो बेबीज होते हैं इनके वेट जो होते हैं बिटवीन 750 and 1500 ग्राम के दरमियान भी जिन बेबीज का वेट होगा वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें भी मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो इन बेबीज को हम कहते हैं प्री टर्म इन्फेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि ये जो है 750 and 1500 ग्राम इनका वेट होगा, और अब हम लोगों ने कहा कि सर्वाइव तो कर जाते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस इनमें आ सकती हैं? तो इसमें हम लोग इनकी क्या मैनेजमेंट करते हैं? तो हम एंटीनेटल स्टीरॉइड्स या फिर पोस्टनेटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंडोट्रेकियल सर्फेक्टेंट, इनको हम सर्फेक्टेंट देते हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट
स्ट्रेस सिंड्रोम का चांस इन बेबीज में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इनको सर्फेक्टेंट एंडोट्रेकियल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंडोट्रेकियल सर्फेक्टेंट होती है, जो कि ग्रेटली इनके अंदर जो होते हैं चांस लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी का वो रिड्यूस होता है। ठीक है, तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि प्री मेच्योरिटी जो होती है वो मोस्ट कॉमन कॉज है मॉर्बिडिटी एंड पेरीनेटल डेथ। ठीक है, तो वायबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें एबिलिटी ऑफ द फीटस टू सर्वाइव एट इन द एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में, और उसमें आप लोगों ने दो तरह के पढ़े के, एक तो इमेच्योर इन्फेंट, ये लो बर्थ वेट इन्फेंट वो वाले हैं जो कि फुल टर्म इन्फेंट्स हैं, लेकिन वो इमेच्योर ये लो बर्थ वेट क्यों हैं, क्योंकि उनमें उनके अंदर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है किसी वजह से, IUGR की वजह से हो सकती है। ठीक है, दूसरी तरफ प्री टर्म या प्री मेच्योर इन्फेंट वो वाले हैं जो कि अंडर वेट हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेंड गेस्टेशन, यानी प्री मेच्योर बाय डेट। ठीक है, तो उसमें 750 से 1500 ग्राम वाले जो बेबीज हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन उसमें मोस्टली हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है IUGR। बेसिकली IUGR है क्या और क्या उसकी कॉजेस हैं और उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि शॉर्ट प्री टर्म बेबीज जो है वो शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज की वजह से प्री टर्म है, और इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो IUGR बेसिकली बेटा इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग देखो, इन IUGR मीन्स इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, यानी यूट्रस के अंदर बेबीज की ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, IUGR रेफर्स टू अ प्रोसेस दैट कॉज अ रिडक्शन इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ फीटल ग्रोथ। ठीक है, यानी आप लोग जितनी उसकी ग्रोथ जिस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उतनी नहीं है, एज वेल एज फीटल ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, और उसका पोटेंशियल भी नहीं है कि उसकी ग्रोथ हो रही है। बेसिकली ये डेफिनेशन है, तो अगर आप लोग इसको और आसान लफ्जों में देखो तो बेसिकली इट रेफर्स टू अ कंडीशन, IUGR बेसिकली क्या है, कंडीशन है इन विच एन अनबॉर्न बेबी यानी जो यूट्रस के अंदर ही है अभी, वो स्मॉलर है, इज स्मॉलर देन इट शुड बी। ठीक है, यानी जितना उसको होना चाहिए उसके मुकाबले में उसकी ग्रोथ कम हो रही है, बिकॉज इट इज नॉट ग्रोइंग एट ए नॉर्मल रेट इन साइड द बॉन। ठीक है, तो IUGR बेसिकली हम कह रहे हैं कि एक अनबॉर्न बेबी है, वो अपनी जितनी उसकी नॉर्मल ग्रोथ उस टाइम पे होनी चाहिए उससे वो छोटा है, और वो बेसिकली ये यूट्रस के अंदर है उस वक्त आप लोग इसको कर रहे हो। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, डिस्क्राइब्स अ फीटस दैट हैज नॉट रीच इट्स ग्रोथ पोटेंशियल। अब ये ग्रोथ पोटेंशियल, इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन, बेसिकली ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड इस वजह से होती है। इसकी कॉजेज क्या है वो आगे हम पता देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो IUGR इन्फेंट होगा उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, तो इन्फेंट विद IUGR उसमें क्या होगा कि लैक ऑफ सबक्यूटेनियस फैट होगी, सबक्यूटेनियस फैट नहीं होगी जिसकी वजह से उसकी स्किन जो होगी वो रिंकल्ड होगी। ठीक है, तो स्किन रिंकल्ड आप लोगों की नजर आएगी, जिसकी वजह से स्किन रिंकल बेसिकली क्यों है कि वाइट फैट हैज एक्चुअली बीन लॉस्ट। ठीक है, तो मेन उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो आप लोगों को इन्फेंट जो होगा वो रिंकल्ड, उसकी स्किन जो होगी वो रिंकल्ड होगी ड्यू टू दी लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स IUGR बेबी की ये हैं। अब हम आगे फर्दर देखते हैं उसकी कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ IUGR। कॉजेज ऑफ IUGR जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करती हैं, उनको हम जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे मदर के फैक्टर्स भी होते हैं, मेटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जो कि फिलहाल मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स बताऊंगी, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो कॉजेज ऑफ IUGR में क्या होता है, प्री एक्लेम्प्सिया अगर मदर को हो गया, यानी हाइपरटेंशन है, मदर कोई स्मोकर है, स्मोकिंग या फिर सम एलिसिट ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हैं जिनकी वजह से ग्रोथ में ग्रोथ जो है वो इम्पेयर्ड हो रही है। इसके अलावा मल्टीपल जेस्टेशन, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी है, वो एक से ज़्यादा बेबीज हैं, यानी ट्रिपलेट्स हो गए, उसमें भी ग्रोथ जो होगी वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, इन्फेक्शियस कोई डिजीज होगी, कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट, ठीक है, इसमें जेनेटिक में आ जाता है, इनएडिक्वेट मेटर्नल न्यूट्रिशन, मदर की न्यूट्रिशन सही नहीं है, मेटर्नल एंड फीटल हार्मोन्स में कोई मसला है, टेराटोजेंस, ठीक है, जो कि बेसिकली बस वो फीटल उसमें एबनॉर्मलिटीज ला रही हैं। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर, तो इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट में देखेंगे।
हम लोग टेक्स देख लेते हैं कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। आयुजीआर मैंने आप लोगों को बताया कि आयुजीआर बेबीज वो होते हैं जो कि जिनकी ग्रोथ जो है वो विद इन द यूट्रस जो है वो ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही है, और उसमें अनबॉर्न बेबी इज स्मॉलर देन इट शुड बी बिकॉज इट इज नॉट ग्रोइंग एट ए नॉर्मल रेट इन साइड द वॉम, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज या फिर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट्स क्या होती है, ठीक है। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें बर्थ वेट कम होते हैं, हैव ए बर्थ वेट दैट इज लोअर देन दी देन ए प्री डिटरमाइन कट ऑफ वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर गेस्टेशनल एज, यानी लेस देन टू स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन और लेस देन थर्ड परसेंटाइल, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसमें बेसिकली स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज हम उन इन्फेंट्स को कहते हैं जो कि जिनका जो बर्थ वेट होता है वो कम होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज, यानी जिस गेस्टेशनल एज पे वो डिलीवर हुए हैं उसके मुकाबले में उनका बर्थ वेट जो होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए हम उनको स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज कहते हैं, ठीक है। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज न्यूबॉर्न्स आर दोज हु आर स्मॉलर इन साइज देन नॉर्मल फॉर द गेस्टेशनल एज, ठीक है। मतलब उनका साइज कम होगा, उनका वेट कम होगा जितना कि उस गेस्टेशनल एज पे नॉर्मल इन्फेंट का होना चाहिए, इसलिए हम इनको स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज कहते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉजेस क्या होती हैं स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज की? सीवियर मैटरनल मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, और पोअर क्वालिटी डाइट इज नोन टू कॉज रिस्ट्रिक्टेड फीटल ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, स्मॉल फॉर डेड इन्फेंट्स होंगी वो मे बी अंडर वेट होंगे। इसके अलावा एक और कॉज क्या होगी? एक तो हमने मेटरनल मेल न्यूट्रिशन का कहा कि जिसकी वजह से पोअर डाइट क्वालिटी डाइट की वजह से फीटल जो होगी उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होगी। दूसरे नंबर पे एक और कॉज भी हो सकती है, द स्मॉल फॉर डेड इन्फेंट्स मे बी अंडर वेट बिकॉज ऑफ प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ठीक है। प्लेसेंटल प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होगा कि प्लेसेंटा जो होती हैं उसमें ऑफन टू स्मॉल या फिर पोअरली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीजनरेटिव चेंजेस उनमें आ जाती है। तो जब डीजनरेटिव चेंजेस होंगी तो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करेंगे ऑक्सीजन सप्लाई को एंड नरिशमेंट टू द फीटस, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज में दो कॉजेज मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, एक है मैटरनल मैलन्यूट्रिशन और दूसरा है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। और अब मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता देती हूँ आयुजीआर और स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज में क्या डिफरेंस है। आयुजीआर हम को डिफाइन करते हैं डिस्क्राइब्स अ फीटस दैट हैज नॉट रीच्ड इट्स ग्रोथ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या इसको हम किसी और एक और हम तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसको कहेंगे आयुजीआर रेफर्स टू अ कंडीशन in which an unborn baby is smaller than it should be, ठीक है, because it is not growing at a normal rate inside the body. इसके मुकाबले में small for gestation age newborns जो वो होते हैं are those who are smaller in size, ठीक है, smaller in size than normal for the gestational age. दोनों की causes मैंने आपसे discuss कर ली हैं, ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो IUGR की जो causes हैं इनको हम detail में next lecture में discuss करेंगे। अच्छा, अब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर के इम्पोर्टेंट वाइवर क्वेश्चंस मैं चाहूँगी कि आप सब लोग नोट कर लो और उसके आंसर्स आप लोग देख लो, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वाइबिलिटी ऑफ फीटस, IUGR, स्कोर फॉर गेस्टेशनल एज, इनका डिफरेंस ये आप लोगों को पता होने चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो आप लोग बेटा ये क्वेश्चंस नोट करो, ठीक है, और इनके आंसर्स आप लोग देख लो। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए लेक्चर के एंड पे। तो सबसे पहले आप लोग देखो, राइट डाउन दी डेवलपमेंटल चेंजेस, बस मैं ये बस राइट डाउन दी डेवलपमेंटल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग 8th week। उसके बाद डिफरेंसेस क्या है बिटवीन एम्ब्रियोनिक एंड गेस्टेशनल एज, ठीक है। गेस्टेशनल एम्ब्रियोनिक एज को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, व्हाट इज इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ये मैं सब आपको लोगों को बता चुकी हूँ। वायबिलिटी ऑफ फीटस क्या है और डिफरेंस बिटवीन IUGR एंड स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है बेटा। होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट करो और इनके आंसर्स देखो। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।